छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के रेवापुर गांव में रहने वाले हबील सिंह को स्नैक मैन ऑफ सरगुजा का नाम दिया गया है। हबील बीते 10 सालों से सांपों को पकड़ रहे हैं। कई बार वो सांपों को अपने गले में भी डाल लेते हैं। हबील सिंह का दावा है कि कई बार जहरीले सांपों ने उन्हें काट लिया है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। हाँ, सांप पकड़ता हूँ। जो भी सांप मिलता है वो भी सब पकड़ता हूँ। गौहा, कराट, सब भैराज, जो भी सांप मिलता है। जहरीला सांप? हाँ, जहरीला से जहरीला वो सब खतरनाक मैं पकड़ता हूँ। ये बताइए, कितना बार आपको सांप काटा है? कम, अरे बहुत काटा है मेरे को, 20-25 बार गया, बहुत काटा है। इलाज कराते थे? नहीं कराते थे सर। मैं इतना जानता हूँ, सांप को जहीं कोई भी सांप को, चाहे जो भी सांप उसके सामने दिखे, उसको पकड़ लेता है और अपने यहाँ गर्दन पे मतलब रख लेता है। और बच्चे लोगों को भी डराता रहता है, बच्चे लोग भी डरते हैं उनसे कहा कि सांप पकड़ता है। और मेरे सामने एक बार मैं ट्रैक्टर में कमा रहा था, उस समय भी लाया था तो गलती से मतलब हमारे तरफ आ गया सांप। पता नहीं वो क्या सांप था, छोटा था, लेकिन मेरे ख्याल से हिराज हुराज होगा। ये बताइए, काटा भी उनको कई बार? नहीं, कई बार काटा है, कई बार काटा है, लेकिन इसको विष का मतलब कोई वो नहीं होता है, विष असर नहीं होता इसको। डॉक्टरों के मुताबिक सांप का काटना घातक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सांप हर बार काटने पर अपना जहर छोड़े। अगर सांप जहरीला भी है, ठीक है, और जहरीला होने के बावजूद अगर उसने काटा है, और काटने पर उस पर निर्भर करता है कि वो यह विष उसको ट्रांसफ़र करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये उसके ऊपर रहता है कि वो करे। हर बार ज़रूरी नहीं कि वो हर बार काटे और हर बार उसका ट्रांसफ़र हो, वेनम का ट्रांसफ़र हो। तो हमें ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर हमें कोई जहरीला सांप काटा है और हमें अगर उसका कोई जहर प्रभाव नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह है कि शायद उसने काटा ही ना हो और काटने के बाद में उसने जहर दिया ही ना हो। एनिमल एक्टिविस्टों का कहना है कि सांपों के बारे में कई मिथक हैं। वैसे उनका ये भी कहना है कि सांप तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें किसी से खतरा महसूस ना हो। हबील बताते हैं कि वो सांपों को पकड़ते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाते और उन्हें तुरंत जंगल में छोड़ देते हैं। देखो,